पोहरी में सूखा राहत घोटाले में दोषी पटवारी मणिकांत जैन बर्खास्त किसानों की जगह बेबी बच्चों के खाते में डाली थी लाखों की राशि। ऑडिट के दौरान हुआ था सूखा राहत घोटाले का खुलासा। शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग में किसानों के खाते में डाली जाने वाली सूखा राहत की राशि को डकारने वाले पटवारी प्रभारी नायब नाजिर मणिकांत जैन को आज पोहरी SDM शिवदयाल धाकड़ ने जांच के बाद सेवा से पृथक बर्खास्त कर दिया। दरअसल 2017 से 19 तक किसानों के लिए आई सूखा राहत की राशि पटवारी प्रभारी नायब नाजिर मणिकांत जैन ने यह राशि पीड़ित किसानों के खाते में न डालते हुए अपनी बीवी और बच्चों के खाते में डाल दी। ऑडिट के बाद इस बात का खुलासा हुआ था। इसके बाद पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में पटवारी के खिलाफ पोहरी थाने में शासकीय राशि का गवर्नर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसका केस न्यायालय में विचाराधीन। आज इस मामले में पोहरी SDM ने पटवारी को सेवा से पृथक बर्खास्त कर दिया है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, वित्तीय अनियमितताओं को लेके आज एक कार्रवाई हुई है, जिसमें एक पटवारी को डिसमिस किया गया। क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा है सर, और क्या कुछ कार्रवाई हुई? ये लोक लेखा जी ऑडिट कंड का द्वारा तहसील में जो सूखा राहत से संबंधित बिलों का भुगतान हुआ था, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। और इनके द्वारा जो पटवारी नाजिर का काम कर रहे थे मणिकांत जैन, उनके द्वारा अपने स्वयं के, अपने बेटों के और पत्नी के खातों में राशि सूखा राहत की और कर्मचारियों के स्वत्तों की राशि को अपने खाते में डाल लिया गया था, मतलब अपने खातों में राशि को आहरण कर किया गया था। उसको लेके कार्रवाई की गई है। चूँकि इनकी पहले से विभागीय जांच चल रही थी और जांच के दौरान ये सिद्ध हुआ और बाकी इनके खातों से मिलान किया, तो ये सिद्ध होता है कि इनके खातों में राशि गई है। तो ये घोर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आने के कारण इनको पदच्युत किया गया है।